हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर है डाटा एंट्री ऑपरेटर का और ये पेपर हुआ था 2018 में पोस्ट कोड है पाँच तो 60 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में अब सेकंड वीडियो है ये तो इसमें 61 से लेकर वन तक कवर करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनको हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज पोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस तो ऑप्शन है रिक्वायर्ड इंडेक्सड कैप्शन इनपुट मास्क तो कैप्शन जो है दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज पोर्टेड बाय ऑल द डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेस तो कैप्शन होगा आंसर इन हाउ मैनी वेज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन एम एस तो ऑप्शन हैं टू थ्री फोर एंड फाइव तो ऑप्शन ए जो है यानी कि टू जो है इसका करेक्ट आंसर होगा हम जो है दो टाइप से जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं उसमें थर्ड सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन है लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इसको क्या कहा जाता है तो लिंकिंग करने को कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कंप्यूटर को तो इसको कहा जाता है फर्स्ट uh, ऑप्शन देख लेते हैं पहले नेटवर्किंग पेयरिंग इंटरफेस इंटरफेसिंग और असेंबलिंग तो असेंबलिंग तो इसको नहीं कहा जाता इंटरफेसिंग भी नहीं कहा जाएगा इसको कहा जाएगा नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग सही आंसर होगा ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर डाटा फ्लो डाटा मैनेजमेंट डाटा कम्युनिकेशन तो इसको कहा जाएगा डाटा कम्युनिकेशन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसके बाद सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन है सिक्सटी फाइव क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेशन इन वी सेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड रिपीटर हब एच या फिर मल्टीप्लेक्स तो इसमें जो है सिक्सटी फाइव का आंसर होगा मल्टीप्लेक्सर तो ग्राउंड स्टेशन को क्या जाता uh, कहा जाता है वी कम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन है द लॉस इन द सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर इज कॉल्ड क्या कहा जाता है इसको प्रोपोगेशन अटैनुएशन स्केटरिंग या एब्जॉर्प्शन तो इसको कहा जाता है अटैनुएशन जो लॉस होता है उसमें पावर पावर में सिग्नल पावर में इसको कहते हैं अटैनुएशन ऑफ द सिग्नल ब्लूटूथ कम्स अंडर विच नेटवर्क एरिया नेटवर्क तो ब्लूटूथ जो है किस एरिया नेटवर्क में आता है तो ब्लूटूथ आता है पूछा गया है लैन मैन लैन मैन वैन या पैन तो ये आता है पैन के अंडर वी पी एन रेफर्स टू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क वॉइस पब्लिक नेटवर्क नान ऑफ दिस तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मल्टीपल रिपीटर्स इन द कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स ट्रांसमिशन आर कॉल्ड डिरेक्टर मॉड्यूलेटर ट्रांसपॉन्डर स्टेशन तो मल्टीपल रिपीटर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है ट्रांसपोंडर्स तो ट्रांसपोंडर उनको कहते हैं हम रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल रिपीटर जो है किस लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल में ऑपरेट करते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर फिजिकल लेयर ट्रांसपोर्टेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर तो इसमें जो है जो ऑप्शन सही है वो है फिजिकल लेयर तो रिपीटर जो है किस लेयर में ऑपरेट करते हैं ओ के ओएसआई मॉडल के तो ये करते हैं फिजिकल लेयर में मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड ऑप्शन हैं अप्लाई बी मूविंग सी जंपिंग डी सर्फिंग तो मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इसको कहा जाता है डी सर्फिंग सर्फिंग इसको कहा जाता है कि हम सर्फ करते हैं नेट पे इंटरनेट पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय एन यूजरनेट यूजनेट सन गोफर या फिर आईएसपी तो इसका सीधा आंसर है कि सर्वर जो है सर्वर कंप्यूटर जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट को तो वो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर के द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आई एस पी इसका आंसर होना चाहिए द वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन अ वेब क्लाइंट वेब इंफ्रास्ट्रक्चर वेब पेज या वेब सर्वर तो जो वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज टी सी पी आई पी जावा एस टी एम एल फ्लैश तो करेक्ट ऑप्शन होगा

Sorry, तो वेब पेजेस, सॉरी वेबसाइट तो वेबसाइट जो है इसका सही आंसर होगा एस वेबसाइट की वेब पेजेस भी उसी में होते हैं तो वेबसाइट को बनाने के लिए इसका डिज़ाइन के लिए एस का प्रयोग किया जाता है मलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज बैडवेयर मालवेयर मलिशियस वेयर नन ऑफ दिस तो मलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर कहते हैं तो बी ऑप्शन होगा विच मेकेनिज़्म इज़ यूज बाय वाम प्रोसेस कौन सा मैकेनिज़्म जो है यूज़ किया जाता है वॉम प्रोसेस के द्वारा वाम प्रोसेस में तो ट्रैपडोर फेक प्रोसेस स्पॉन् प्रोसेस या फिर वैक्स प्रोसेस तो इसका सही आंसर होगा स्पॉन प्रोसेस तो स्पॉन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है वॉम प्रोसेस के अंदर प्रोसेस uh, मैकेनिज्म uh, को वॉम प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक बॉम्ब इज पीस ऑफ कोड मॉलवेयर टेक्स्ट टैक्स फाइल या फिर दोनों ही पीस ऑफ कोड भी और मालवेयर भी तो लॉजिक बॉम्ब जो है वो क्या होता है दोनों ही होते हैं पीस ऑफ कोड भी होगा उसी में मालवेयर छुपा होता है तो इसका डी ऑप्शन होगा लॉजिक बॉम्ब इज बोथ पीस ऑफ कोड एंड मालवियर साइबर क्राइम्स इंक्लूड साइबर क्राइम में क्या आता है इलीगल एक्सेस इलीगल इंटरप्रेसन सॉरी इलीगल इंटरसेप्शन या फिर सिस्टम इंटरफेरेंस या ये सभी आते हैं तो साइबर क्राइम में जो है क्या आएगा सभी के सभी आएंगे इलीगल एक्सेस भी साइबर क्राइम में इलीगल इंटरसेप्शन भी साइबर क्राइम है और सिस्टम इंटरफेरेंस भी साइबर क्राइम है नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर वॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस वायरस अटैक्स डाटा ड्रिवन अटैक्स फायर अटैक्स किसके विरुद्ध जो है इसका फायर वॉल का प्रयोग किया जाता है तो ये जो है एक तरीके से अनऑथराइज एक्सेस जो होता है उसको रोकने के लिए फायर वॉल का वो यूज किया जाता है वायरस अटैक से नहीं ये बचाएगा बट अनऑथराइज आपके अकाउंट को एक्सेस करने से बचा दे बचाएगा अगर डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड्स नेटवर्क विद तो इससे क्या हमें मिलता है प्राइवेसी मिलती है ऑथेंटिसिटी मिलती है या इंटीग्रिटी मिलती है या फिर नॉन रिप्यूडेशन रिप्यूडिएशन तो इसमें जो है प्राइवेसी हमें मिलती है तो ये ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसिस सेलेक्ट्स वन ऑफ द सेवरल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट्स इट टू अ सिंगल आउटपुट एनकोडर डी कोडर मल्टीप्लेक्स या फिर डी में मल्टीप्लेक्स तो इसमें जो एनकोडर है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कि जो बहुत सारे इनपुट को ले और ट्रांसमिट करे इसको सिंगल आउटपुट पे कंपाइलर नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाइलर कैन चेक लॉजिकल एरर सिंटेक्स एरर या दोनों तरह के लॉजिक भी और सिंटैक्स भी यानी कि बोथ या फिर कंटेंट एरर तो कंपाइलर क्या करता है कंपाइलर जो है दोनों ही एरर को देखता है सॉरी सिंटैक्स एरर को देखता है दोनों एरर को नहीं देखेगा सिंटैक्स एरर को देखेगा कि सिंटैक्स एरर तो नहीं है कंपाइलर का इन सिंटैक्स एर लॉजिक को वो कंपाइल कर देता है लॉजिकली अगर आप गलत हो तो वो कंपाइल करके जो भी उसकी आउटपुट होगी उसको वो प्रोवाइड कर देगा ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे कौन सा फैक्टर जो है सबसे क्रूशियल होता है लोग यानी कि जनता पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस या फिर सभी तो so, इसमें जो है लोग जो है सबसे क्रूशियल फैक्टर होते हैं पीपल और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो लास्ट फेज जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का उसमें क्या किया जाता है डिजाइन किया जाता है या टेस्टिंग की जाती है या कोडिंग की जाती है या मेंटेनेंस की जाती है तो लास्ट में जो है मेंटेनेंस की जाती है तो ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड डाटा फ्लो टेस्टिंग लूप टेस्टिंग बिहेवियरल टेस्टिंग या ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग तो ब्लैक बॉस टेस्टिंग इसको क्या कहते हैं हम दूसरा नाम क्या है मतलब इसका तो इसको हम बिहेवियल टेस्टिंग भी कहते हैं तो सी होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज तो बेसिक यूनिट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेथड या क्लास या फिर ओवरलोडिंग या ऑब्जेक्ट तो बेसिक यूनिट जो है ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो है इसकी बेसिक यूनिट है ऑप्शन डी विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है कौन सा है ग्राफ डायरेक्टरी या ट्री या एरे तो लीनियर जो है वो एरे है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एरे है एरे इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर प्रयोरिटी क्यू कैन बी असेंडिंग डिसेंडिंग बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग यानी कि ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन या फिर और सीरियल तो प्ररिटी क्यू जो है वो कैसी हो हो, हो सकती है वो असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी यानी कि बोथ ए एंड बी हो सकती है शॉर्टिंग डाटा मीन्स टू अरेंज इट इन द ऑर्डर अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली सिक्वेंशियली या फिर दोनों ही अल्फाबेटिकली भी और उसको न्यूमेरिकली भी तो सोर्टिंग डाटा मीन्स टू अरेंज इट इन ऑर्डर बोध अल्फ़ाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली यानी कि डी ऑप्शन होगा इसका नाइन्टी सेकेंड क्वेश्चन है विच वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो है वर्ल्ड का कौन सा था तो ऑप्शन हैं पीडीपी वन आई बी एम सिस्टम थर्टी सिक्स पी डी पी टू वैक्स इलेवन सेवन एटी तो इसमें जो है जो पी डी पी वन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज पी डी पी वन टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफ ऑफ एन यूज डेस्कटॉप टर्मिनल नोड या हैंड हेल्ड तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टर्मिनल टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूजर टर्मिनल टर्मिनल हमें यूज करना पड़ता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं जिस भी चीज कंप्यूटर गर, को या जिस भी एंड पे हम यूज करेंगे तो टर्मिनल एक यूज करना पड़ेगा वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑटोमेशन स्पीड र्सले या फिर इंटेलिजेंस तो कौन सा जो है करैक्टराइटिक्स नहीं है कंप्यूटर का इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन का करैक्टराइटिक्स है कंप्यूटर का नहीं है ऑटोमेशन स्पीड या वर्सेटेलिटी ये तीनों ही वर्सेटेलिटी और ऑटोमेशन स्पीड तीनों ही ये जो है ये इसके करैक्ट्राइस्टिक्स हो सकते हैं बट इंटेलिजेंस एक ह्यूमन का करैक्टराइटिक्स है अभी एआई की बात चल रही है बट अभी तक जो है इंटेलिजेंस इस तरीके की ह्यूमंस के जैसी इनमें कंप्यूटर्स में नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ए एल यू इनपुट डाट इनपुट डिवाइस कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइस तो सीधी सी बात है इसका आंसर इनपुट डिवाइस होगा द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एनी कंप्यूटर सिस्टम इज एल यू मेमरी सी पी यू या कंट्रोल यूनिट ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज जो है सीपीयू है वो तो मतलब सिंपल सी बात है ये सीपीयू को ही कहते हैं हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम 97 जो क्वेश्चन है व्हेन वाज़ द फर्स्ट एट बीट माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड जो एट बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था तो एट बीट माइक्रोप्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1974 में तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एट बीट माइक्रो प्रोसेसर नाइनटीन में इंट्रोड्यूस किया गया था वायरलेस माउस कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स थ्रू सैटेलाइट माइक्रोवेव्स रेडियोवेवस इंफ्रा वेव्स तो ये ये बहुत जगह हमने पढ़ रखा है कि इसका आंसर क्या होगा रेडियो वेव्स वायरलेस माउस कम्युनिकेशन जो है Uh, वो जो है रेडियोवेव के थ्रू होगा विच ऑफ दिच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंट्री डाटा स्पेसिफाइड इन बार कोड्स जॉइस्टिक माउस होलोग्राफ या फिर लाइट मैन तो कौन से डिवाइस जो है सेंस कर सकता है इन्वेंट्री डाटा को स्पेसिफाइड इन बारकोड जॉयस्टिक, माउस होलोग्राफ्स लाइट पैन तो इसमें जो है होलोग्राफ जो है वो ये डिवाइस उसको उस डिवाइस को कहते हैं होलोग्राफ ये जो है ये डिवाइस सेंस कर सकता है इन्वेंट्री डाटा स्पेसिफाइड इन बार कोड्स हंड्रेड क्वेश्चन है द मोनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय अ वायर बस लाइन ड्राइवर केबल मोनिटर को जो है मोनिटर ऑफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है मनीटर को बाय अ केबल तो केबल के थ्रू जो है इसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ 101 ठीक है क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन इंपैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स डेजी लेज़र प्रिंटर नन ऑफ दिस तो ये सीधी सी बात है लेजर प्रिंटर लेजर के थ्रू वर्क करता है इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है ये टू लोकेट नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज फील्ड फील्ड डाटा बेज या फिर फैच तो टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर स्टोरेज उसको कहते हैं फैचिंग फैच fetch करना तो डी ऑप्शन नेक्स्ट हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षसा अब ये जो है हिस्ट्री का यहाँ पे पोर्शन बीच में इंक्लूड कर दिया है इन्होंने तो चलिए हम हिस्ट्री भी इसी में कर लेंगे अगर देखते हैं वन ट्वेंटी तक हम इसमें कवर करेंगे तो हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षसा तो मुद्रा राक्षसा का जो है राइटर विशाखा दत्ता थे विशाखा दत्ता है राइटर ऑफ मुद्रा रक्षसा टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग अशोका किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे तो मौर्य डायनेस्टी को वो बिलोंग करते थे द कैपिटल ऑफ कनिष्का वॉज कनिष्का की कैपिटल जो है इनमें से कोई भी नहीं है पाटलिपुत्रा तक्षशिला और मथुरा उनकी इनमें से कोई भी कैपिटल नहीं थी नन ऑफ दीज आएगा भट्टा बिलोंग्स टू विच एज गुप्ता चोला मौर्य मुगला तो इसमें जो है गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करते हैं भट्टा वट डू द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपेक्ट्स तो अजंता की गुफाएं जो है वो चित्रकला क्या चिन्हित चिन्हित करती है रामायण महाभारत जातक या फिर पंचतंत्र तो जातक के जो कथाएँ तो या जातक जिनको कहते हैं जो टेक्स्ट हैं उनको जो है उनकी पेंटिंग्स को वो डिपेक्ट करती हैं उनको चित्रित किया गया है अजंता की गुफाओं में अरब्स वर्ल्ड इन सेवन थर्टी एट ए डी बाई अरबों को किनों किसने पराजित किया था 738 में चालुक्य ने या फिर पाल ने या राष्ट्रकुताज ने या प्रतिहारा ने तो प्रतिहारा ने उनको जो है डिफीट किया था क्योंकि गुजर प्रतिहारा जो गुजरात का एरिया है उस तरफ से जो है अरब का मतलब अफगानिस्तान या उस तरफ से आएंगे लोग तो वो पहले वहीं से एंटर होएंगे और वहाँ पे जो है गुजर प्रतिहारा थे और उनसे ही उनका टकराव हुआ हुआ तो इसलिए जो है प्रतिहारा यहाँ पे आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ़ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान चंगेज खान का कंटेम्प्रेरी कौन था इल्तुमिश अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक या बालबन तो बलबन इनमें से जो है अलाउद्दीन चंगेज़ ख़ान का जो है वो जो है कंटैम्प्रेरी था इल्तुमिश। अल्तमिश के टाइम में उन्होंने उसको नहीं दिया था यहाँ पे शरण जो जिसके पीछे वो भाग रहे थे तो इसलिए इल्तुमिश जो है उसके प्रकोप से बच गया था चंगेज खान के प्रकोप से द सेंट ऑफ वरकारी सेक्ट वॉज नामदेवा निबारका चंद्रधारा चंद्रधर चक्रधर सॉरी रामदास तो वक, वर्कारी संप्रदाय के सेक्ट के जो संत थे सेंट थे वो कौन से थे तो नामदेव जो थे वो वक्रधारी वक्रकारी सॉरी वरकारी संप्रदाय के संत थे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटी मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ तो ये किसके राइन में मोटी मस्जिद को मोती मस्जिद को सॉरी बनाया गया था तो मोती मस्जिद को बनाया गया था जो शाहजहां थे उनके समय में इसको बनाया गया था द ट्रीटी ऑफ बसेन ट्रिटी ऑफ बसीन जो है बासीन या बेसिन की संधि भी जिसको कहा जाता है जो 1802 में हुई थी तो वो साइन की गई थी ब्रिटिश के साथ कौन से पेशवा ने उसको साइन किया था बाजीराव वन बाजीराव टू माधव राव या फिर नन ऑफ दिस तो बाजीराव टू जो थे उन्होंने उसको साइन किया था अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ बक्सर वॉज फोर्टीन सेवनटीन 1761, 1764, 1766. तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कब फोर्ट किया गया था ये फॉर्ट किया गया था 1764 में और हुज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मोमेंट अलीगढ़ मोमेंट के फ़ाउंडर कौन थे आगा खान या सर अहमद खान या फिर मौलाना अलताफ़ हुसैन अली हाली या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं था तो सैयद अहमद खान जो थे वो उसके फाउंडर थे अलीगढ़ मूवमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्मड इन ऑल इंडिया जो किसान सभा थी ये कब फॉर्म हुई थी 1932, 33, 1935 या 1936 तो ये जो है 1936 में बनी थी ऑल इंडिया किसान सभा द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहां हेल्ड किया गया था कैलकाटा बॉम्बे अहमदाबाद अलाहाबाद तो ये जो है बॉम्बे में हेल्ड किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्लेक्सिबल रिजिड पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल या फिर नन ऑफ दिस यानी कि जो हमारा संविधान है वो किस तरीके का है ना तो वो पूरा तरह से फ्लेक्सिबल है ना ही वो पूरी तरह से रिजिड है वो पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर द आर्टिकल पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है 143, 243, 343 या 43 तो 243 के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है दिया गया है पंचायत को आर्टिकल 243 के अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन द फॉर्म लास्ट तो कौन सा लास्ट में बना था आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका या पंजाब तो सबसे लास्ट में जो बना था वो था कर्नाटका हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी फाइव प्रेजिडेंट कौन था उस टाइम जब जो है उन्नीस सौ में एमरजेंसी लगाई गई थी वी वी गिरी ज्ञानी जैल सिंह फखरुद्दीन अली अहमद या फिर शंकर दयाल शर्मा तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उन वो थे उस समय प्रेजिडेंट तो ऐसा करते हैं इसमें जो है जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड 124 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो के हैं उसको हम इसी वीडियो में कर लेते हैं तो 121 जो क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा राज्यसभा नीति आयोग या फिर ऑफ दिस तो इसमें जो है राज्यसभा का जो है वाइस प्रेजिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज एम सी बीआर बी आर अम्बेडकर कैलाशनाथ काटजू रफ़ी अहमद किडवाई तो इनमें से कौन से सर्व स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे लॉ मिनिस्टर तो इन सब आ, जो करेक्ट आंसर है वो है बी आर अम्बेडकर जो है वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट तो ज्वाइंट हाउस ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है तो इसको बुलाते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ए ऑप्शन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है तो जो नीति आयोग है दैट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी सो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है फाइनंस कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन जो है ये सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन है इंटर स्टेट काउंसिल तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और होप सो so कि आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप लाइक करें शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो